हाँ जी, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी डिफरेंशिएशन कैसे हैंडल करनी है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, ठीक, तो इसके अंदर ना एक बड़ा सिंपल सा रूल है जो हम यूज करेंगे, दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ सिंप्लीफाई दी गिवन क्वेश्चन फर्स्ट देन डू दी डिफरेंसिएशन। ठीक, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, जस्ट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x+1 डिवाइडेड बाय 1+4 की पावर x। अब जाके समझेगा तुम्हें कि ये क्वेश्चन का वो सिंप्लीफिकेशन क्यों दिया था मैंने करने के लिए। ठीक, ओके ओके, काव्या माइक ऑन करना। यस काव्या इसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक, तो अभी तक जो आपको पता है चेन रूल वो लगाओगे तो क्या जाएगा? सर, चेन रूल लगा के बताऊं या फिर पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे नहीं और? करना अभी, नहीं करना कन्वर्ट। मैं पहले बोलो कि पहले देखते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स जा रहा है, फिर देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से कितना कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है हमारी। ठीक, तो सर अगर डायरेक्टली वन करा, हाँ वन बाय अंडर रूट वन माइनस ये ये सारी की सारी चीज का स्केयर, ठीक है, 2 की पावर x-1 x+1 by 1+4 की पावर x का स्केयर इनटू इनटू वन डेड 2 की पावर x+1 by 1+4 की पावर x का, ये इसका डेरिवेटिव। ठीक, तो ये क्या जाएगा अभी 1 by under root of 1 minus 2 की पावर x+1 by 1+4 की पावर x का स्केयर इनटू, अब बताओ इसका। सर, इसके अंदर वो डिवीजन रूल लगेगा 1+4 बिल्कुल, ओवर एक्स का इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर। वन प्लस 4 पावर x इनटू इस इसका 1 ही बार x का डेरिवेटिव। सर 2 की पावर x+1 ln 2 और इनटू वन वो प्लस माइनस माइनस 2 की पावर x+1 इनटू 4 पावर x ln 4। इंटू 4 की पावर x ln 4। ठीक, बिल्कुल, देख रहे हो कितना गंदा जा रहा है। चिराग, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर, ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही है कितनी जा रही है। अब देखो इसी के अंदर हमने क्या किया, पहले सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x+1 डिवाइडेड बाय 1+4 की पावर x, इसको लिखा हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 into 2 की पावर x over 1+2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये तो ये बन जाएगा आपका डी बाय डी एक्स ऑफ 2 dot tan inverse 2 की पावर x, ये आ जाएगा। अब इस रूट को ध्यान से देखो, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। काव्या अब इसका बोलो, तो 2 बार आ जाएगा यस सर, आगे टेन इनवर्स 2 की पावर x का डेरिवेटिव। 1 by 2x plus 1 plus 2x 2 की पावर x। सर पहले अच्छा, टेन इनवर्स f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है काव्या, ये बताओ। सर 1 by 1, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर, 1 by 1+x2। f(x) का स्क्वायर आएगा ना काव्या इनटू f'(x), चेन रूल f(x) है ये लिख रखा। 2x 2 की पावर x का स्क्वायर इनटू बिल्कुल, इसका डेरिवेटिव ln 2 की पावर x ln 2। ln 2, बिल्कुल सही। तो ये कंप्लीट आंसर जाएगा। अब देखो कितने स्टेप्स लगे हमारा करने के लिए, आपके सामने है, टोटल 3 स्टेप्स के अंदर अंदर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड स्टेप तक हम खत्म करते हैं। और ऊपर देखो जरा कितनी गंदगी जा रही है, ऊपर स्टेप्स कम ही लग रहे हैं, लेकिन पंगा क्या है कि ये कैलकुलेशन को हैंडल करना इजी नहीं होगा और इसको वापस ये वाली फॉर्म में लाना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और बाकी सब कुछ कट जाना चाहिए, लेकिन भाई काटने वाटने में हमारी मिस्टेक्स वगैरह काफी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दो। तो सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको करने के लिए
डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो अब और एग्जांपल सेकंड, ठीक। अर्नव, यस सर। हाँ जी अर्नव, टेन इनवर्स ऑफ 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 - 3x² का डेरिवेटिव करना, ठीक। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -1/√3 से लेके 1/√3, ठीक, तो क्या आएगा? डायरेक्टली इसको करता तो ये चीज लाना बहुत मुश्किल हो जाता ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अच्छा प्लीज सारे देखते रहना, मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ, ठीक। अच्छा हाँ जी राजवीर, हाँ जी राजवीर, क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x/1+x² 2 tan inverse, ठीक। तो ये जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 tan inverse of x, बिल्कुल सही ठीक। तो ये बन जाएगा 2/1+x², ठीक है ठीक। वासु, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1+x² नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में ये अगर कॉस के अंदर होता, कॉस इनवर्स में होता, एक्स को कॉस थीटा पुट कर दो। नहीं नहीं सुन 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 सुन, 1 - cos θ / 1+cos θ कुछ नहीं होता ना। सुन वासु, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये जो चीज है ये कॉस में होती तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1+x² होता तो ये बन जाता 2 tan inverse of x। बात समझा? लेकिन अभी साइन इनवर्स में है तो इसलिए कोई फॉर्मूला ऐसे बन नहीं पा रहा, बात समझा? बट कांट वी कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स, कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ जी सर। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो साइन इनवर्स 1 - x² / 1 को थीटा पुट कर दो ना। नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। कैन वी कन्वर्ट दिस साइन इनवर्स टू कॉस इनवर्स, पहले ये बताओ। यस सर। कैसे? तो कह रहा हूँ उसको थीटा पुट करके सर कॉस में वैल्यू निकाल लेंगे ना। मैं वही बोल रहा हूँ, तो नहीं गलत, फिर गलत सोच रहा है वो, बहुत लंबा प्रोसीजर है। एक आइडेंटिटी है भाई हमारे पास जिसके थ्रू हम इसको साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू भाई वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। सॉरी सर, सॉरी सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या आइडेंटिटी है भाई? बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज पाई बाय टू। बिल्कुल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, π/2 - cos inverse of 1 - x² / 1+x² तो sin inverse जो आपने cos inverse में कन्वर्ट हो गया। बात समझा? क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तो अब ये बन जाएगा π/2 - 2 tan inverse of x, दैट इज इसका डेरिवेटिव करना तो याद आएगा 0 - 2/1+x² तो ये आंसर आ गया। बात समझा? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। ठीक 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 ठीक। फिफ्थ, चिराग। हाँ जी सर। हाँ जी चिराग, अब है सेम टाइप से आपका जा रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 2x/1+x² का डेरिवेटिव, क्या करेगा? बिल्कुल, तो 2 - 2/1+x² क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक ठीक।
ठीक सिक्स आदित्य यस सर आदित्य डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन आदित्य किसका फॉर्मूला जी आदित्य बहुत सिंपल फॉर्मूला जी अच्छा आदित्य अगर एक्स को मैंने कॉस थीटा पुट किया तो क्या बन जाएगा जी टू कॉस थीटा स्क्वायर माइनस वन ठीक तो टू कॉस के थीटा माइनस वन किसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला होता है आदि कॉस टू थीटा बिल्कुल तो ये बन जाएगा कॉस टू थीटा तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा क्या बन जाएगा टू थीटा और तूने x को क्या लिया था cos थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स ऑफ x तो ये इधर पुट कर दे तो 2 cos इनवर्स ऑफ x तो ये cos इनवर्स का डबल एंगल का फॉर्मूला है तो ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ x बात समझा पक्का क्या चीज नहीं समझा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना ओके ओके तो हाँ भाई ये सिर्फ फॉर्मूला तेरे को बोल रहे हैं ITF के तो इसका डिफरेंशिएट करेगा 2 बाहर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो दिस विल बिकम माइनस टू ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स याद आएगा ठीक है क्लियर है ठीक सेवन शुभम यस सर हाँ जी शुभम ये क्वेश्चन में क्या करेगा दैट इज टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई क्या करेगा सबसे पहले जो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस बाय 1 प्लस कॉस एक्स वो तो लिख गया टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 बिल्कुल सही तो ये आ जाएगा tan पहले सिंप्लीफिकेशन करें मतलब और अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2 अच्छा अब ये भी चीज याद रख अब इसकी रेंज 0 से पाई बाय 2 x बाय 2 की सर क्या चीज बोल रहा है x बाय 2 की रेंज है 0 से पाई बाय 2 बिल्कुल तो यहां से x बाय 2 निकाला वो आ रहा है हमारा 0 से पाई बाय 2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल तो ये एज अ tan x बाय 2 ही खुल जाएगा tan x by 2 खुल जाएगा बिल्कुल अंडर रूट में वो नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं आएगा बिल्कुल आगे ये आ गया x by 2 बिल्कुल सही अब कहने का मतलब ये पूरे क्वेश्चन की डिफरेंशिएशन करने के बजाय इसका सिंपलीफाइड फॉर्म जो है दैट इज x by 2 मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा शुभम पक्का क्या बात है बिल्कुल सही ठीक तो अब देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया हमारे लिए कुछ करना अदरवाइज इसके ऊपर चेन रूल वगैरह लगाने की कोशिश करोगे तो स्कूल में तो वैसे ही गलत कर देंगे ठीक है अच्छा नेक्स्ट 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 क्वेश्चन इज स्तुति स्तुति माइक ऑन करो हाँ जी स्तुति टैन इनवर्स ऑफ 1 plus sin x by cos x when x belongs to minus pi by 2 से pi by 2 इसका डिफरेंशिएशन करना क्या करोगे स्तुति आवाज आ रही है यस सर
क्या करोगे स्तुति? सर इसको डिवाइडेड बाय cos x करूंगी पहले उधर ऊपर नीचे। हां जी, ताकि 1 plus tan x बन जाए। 1 plus tan कैसे बनेगा? 1 के साथ भी तो आएगा आपका, वो secant बन जाएगा। नहीं, वो secant बन जाएगा tan x। ओके ओके, रुको, वेट करो। दिया दिया कैसे करोगे इसको? सर सोच रही हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा है। ओके दक्ष, क्या करोगे? भाई सबको बाकी आवाज अटक रही है, सही आ रही है? क्या ये sin x को एज अ डबल एंगल ले ले? मतलब 1 plus 2 sin x by 2 into cos x by 2। 1 plus 2 sin x by, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद cos x को भी हम sin की फॉर्म में कर दे, जैसे cos square x by 2 minus sin square x by 2। उसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो ये चीज बन गई, 1 को लिखा हमने cos square x by 2 plus sin square x by 2, ये समझे? एक सेकंड शुभम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन? कि सर जैसे यहाँ पे x है और सर अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो अगर यहाँ पे 1 plus cos x upon sin x होता तो मतलब कन्वीनियंट होना था। बिल्कुल, इसके लिए हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि x is equal to pi by 2 minus h। किसको किसको? x is equal to pi by 2 minus h। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता तू, नहीं। लेकिन हाँ, ये काम तू जरूर कर सकता है कि sin को cos में कन्वर्ट कर ले और इस cos को sin में कन्वर्ट कर ले। कैसे? इसको लिखा 1 plus cos pi by 2 minus x over sin pi by 2 minus x, बात खत्म। सर यही कर, हाँ। तो अब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो तो ये बन जाएगा tan inverse of 1 plus 2 cos square pi by 2 minus x minus 1 divided by 2 sin pi by 2, अच्छा इसका हाफ हो जाएगा तो divided by 2 आएगा, pi by 2 minus x by 2 cos pi by 2 minus x by 2। ये 1-1 कटेगा, ये 2-2 कटेगा, a cos pi by 2 minus x by 2 कटेगा, तो ये बन जाएगा आपका tan inverse of, ठीक, tan inverse of pi by 4 tan inverse of tan of pi by 4 minus x by 2, ये आ जाएगा। या cot आएगा, cos पे sin, हाँ cot आएगा, बिल्कुल cot आएगा, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब एक काम करो, cot को tan में कन्वर्ट करने का तरीका pi by 2 minus कर दो, तो ये आ जाएगा tan of pi by 2 minus pi by 4 plus x by 2, तो ये आ जाएगा tan inverse of tan pi by 4 plus x by 2, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म बन गई। अब हमने ये चीज चेक की कि ये जो चीज है ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर भी रही है कि नहीं कर रही है, फॉर द गिवन एंगल दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो देखो, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो x बाय 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, प्लस पाई बाय 4 किया तो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो दैट इट विल बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तो बिल्कुल 0 से पाई बाय 2 बिलोंग करेगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट 0 प्लस 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 इज द आंसर। प्लीज ध्यान से चेक करो, इसके किसी भी पार्ट में डाउट है? अनन्या, अनन्या तो आई थिंक है, चाहे नहीं, ओके। दिया, स्तुति, प्लीज बताओ।
दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया क्वेश्चन ये वाला। अच्छा दिया, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, शुभम ने एक हिंट दी कि अगर 1 प्लस cos एंड डिवाइडेड बाय sin, यानी कि ऊपर जो sin है इसकी जगह cos होता और नीचे वाले cos की जगह अगर sin होता, राइट, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता ये चीज हैंडल करना, राइट। तो बेसिकली देखो हम कर क्या रहे हैं, हम अभी तक डिफरेंशिएशन तो कर नहीं रहे हैं, हम इसको ITF के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो दिया, राइट। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, ये साइन को लिखा cos pi by 2 minus x and cos x को लिखा sin pi by 2 minus x। अब दोनों का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, तो cos का ऐसा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना जिसके अंदर माइनस वन है ताकि ये प्लस वन के साथ कट जाए, तो वो आ गया 2 cos square theta by 2 minus 1 और ये माइनस वन प्लस वन के साथ कटा, समझे। और नीचे sin theta को लिखा हमने 2 sin theta by 2 cos theta by 2, तो इससे क्या हुआ ये 2 भी कटा एंड एक cos theta by 2 भी कट गया, तो बचा ऊपर cos theta by 2 एंड नीचे बचा sin theta by 2, तो वो बन गया cot theta by 2। तो theta by 2 क्या है आपका pi by 2 by 2, तो that is pi by 4 and x by 2, तो that is x by 2। अभी तक क्लियर है? Yes sir। फिर हमने देखा कि अगर अंदर tan हो तो हमारा tan inverse of tan का रूल लग के as it is बाहर आ जाएगा, तो इसको cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा, इसको pi by 2 minus theta। अगर ये theta है तो ये बन गया pi by 2 minus of ये आ जाएगा e। डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस वन बाय एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले सिंप्लीफाई वगैरह करना पड़ेगा। अब याद करो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन के क्या रूल्स देखे थे, ठीक। अच्छा तो लेट से ये करेगा कृतिश, कृतिश क्या करेगा, सर x को हम ले लेंगे, इसको ले करते थे tan x ले लेंगे, बिल्कुल tan theta, tan theta x ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो x को लेंगे tan theta y just because a square plus x square आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा सिंपलीफिकेशन का रूल आ गया, तो a square plus x square के कारण ये आ गया। तो अब ध्यान से देखो ये यहाँ पे पुट करने के बाद अंदर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 plus tan square theta under the root, अरे वो कृतिश की थी मेरी नहीं थी, नहीं अभी नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है, अटक क्या आ रही है, हाँ जी काफी अटक रही है, ठीक है बीच बीच में एक्चुअली कुछ को ठीक आ रही है कुछ को अटक रही है कुछ तो, हाँ वो नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ काव्या, अगर आपका अटकेगा काव्या तो प्लीज, ये सबके लिए है प्लीज, अगर किसी का कुछ अटकेगा तो मेरे को बता देना, मैं वो रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है काव्या, हेलो, ठीक 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 ठीक। अच्छा तो अब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक। अच्छा तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये बन गया secant स्क्वायर थीटा, अंडर रूट गया वो secant थीटा आ गया, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ secant थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, ठीक। तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अब ये बहुत सिंपल है हमारे लिए, तो क्या करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2, सर आपकी स्क्रीन में साफ आ गया, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक। ये 1 1 कटा 2 2 कटा sin थीटा बाय 2 कट गया, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, मुझे बताना क्या स्क्रीन बंद हो गई थी, ओके देखो ये स्टार्टिंग से प्लीज सारे ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से कि क्या किया हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन में ढूंढते हुए हमने एक्स को ए टेन थीटा दैट इज 1 इनटू टेन थीटा पुट कर दिया, तो टेन थीटा पुट करने के बाद ये हमारा बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट माइनस 1 बाय टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट वो बन गया सीकेंट थीटा, तो ये पूरा का पूरा बन गया सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो 1 1 कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 sin थीटा बाय 2 कट जाएगा, तो बन जाएगा tan थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2। अब ध्यान से देखो यहां से हम थीटा निकालेंगे,
ठीक, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा मेरा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट में पुट करके फाइनल हमारा बनेगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स का हाफ। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग द ओरिजिनल क्वेश्चन, ये हम इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है दैट इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स का हाफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डेरिवेटिव करके हाफ ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, हाफ एज इट इज, टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स के। तो ये फाइनल आंसर जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट आ रहा है ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बताओ। दिया, स्तुति, दक्ष, सर ठीक, वासु क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक। सर टैन ही क्यों लिया उसको? भाई ये रूल होता है हमारा कि अगर ये स्टार्टिंग में हमने देखा था आईटीएफ में ए सिंप्लीफिकेशन के अंदर, मैं दोबारा रूल्स बताता हूँ तेरे को, कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमें क्वेश्चन में दिखाई दे तो एक्स को ए टैन थीटा पुट करना प्रेफरेबल समझते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स को ए साइन थीटा पुट करना प्रेफरेबल समझते हैं, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स को ए सीकेंट थीटा पुट करना प्रेफरेबल समझते हैं। बात समझा? तो हमें ये दिखाई दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 इज ए इज नथिंग बट 1 ना, तो इसके अंदर 1 पुट करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर हम पुट करेंगे x को 1 डॉट tan थीटा। ठीक है, ये आईटीएफ का सिंपलीफिकेशन। हाँ जी क्लियर है, चले आगे। ठीक चलो, अब आईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी सिराग, कुछ क्वेश्चन हैं जो तुम्हें करने हैं, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक, फर्स्ट हाँ जी करो, तो जितने भी होगा छोड़ दो, पहले अभी देख लो डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो क्या तरीका रहेगा इसको करने का, या तो रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक, एक वो तरीका है,
ठीक, तो रेशनलाइजेशन अंदर ही अगर कर दिए तो वो जाएगा 1 प्लस साइन अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनटू ठीक 1 प्लस साइन अंडर द रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन प्लस। ठीक, तो ये बन जाएगा ऊपर का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो प्लस 1 माइनस साइन प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन। तो देखो ये साइन साइन कटा तो न्यूमरेटर में क्या जा रहा है 1 प्लस 1 2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 1 1 कटेगा तो 2 साइन एक्स, ये 2 2 2 कटा तो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ आपका क्या जा रहा है टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये चीज आ रही है। ठीक, एक्स हमने दे रखा 0 से पाई बाय 2 तो इसलिए ये जो अंडर रूट का कॉस एक्स था ये पॉजिटिव ओपन। ठीक, अब कुछ नहीं टेन इनवर्स ऑफ हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक, अच्छा इसके बाद 1 1 कटा 2 2 कटा कॉस एक्स बाय 2 कटा तो ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2 तो दैट इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ इसको लिखा हमने टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2 तो ये एग्जैक्टली एज इट इज बार आ जाएगा तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक, दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 तो 0 माइनस 1 बाय 2 तो ओवरऑल माइनस 1 बाय 2 इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर है सबको? कंफर्म करो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक, क्लियर। चलो आगे सेकंड। सेकंड तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, देखो जरा। सेकंड में क्या चीज जा रही है कि tan inverse of cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन जाएगा a माइनस a by b, अच्छा b cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a by b माइनस tan x ओवर 1 प्लस a by b इनटू tan x तो ये बन जाएगा tan inverse of a by b माइनस tan inverse of tan x क्योंकि ये अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में तो एज इट इज ओपन हो जाएगा तो ये बन जाएगा tan inverse of a by b माइनस x तो ये इसका सिंपलीफाइड फॉर्म आ गया। अब अगर a एंड b कांस्टेंट है तो tan इनवर्स ऑफ a by b भी कांस्टेंट जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ a by b माइनस x तो ये हो जाएगा जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो क्योंकि कांस्टेंट है और माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1 तो ओवरऑल क्या आंसर आ गया आपका माइनस 1 इज द फाइनल डेरिवेटिव। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है स्तुति, क्लियर हो रहा है आदित्य भाई? यस सर। ठीक 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 है। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप चला जाता है एंड देखो मैं ना इसको करने के लिए ये चीज देखूंगा कि साइन इनवर्स ऑफ, मेरे को साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई यू नो लग रहा है कि वो वाला फॉर्मूला लग सकता है तो मैंने इसको फॉर्मूला लिख दिया पहले अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो, मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो एक्स है वो एक्स ही है, ये वाली टर्म्स मेरे को बिल्कुल मैचिंग दिखाई दे रही है तो वाई की जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो मैंने ये चीज चेक की कि अगर ध्यान से देखो ये जो एक्स है ये इधर वाई स्क्वायर की जगह जा रहा है और ये जो y है ये रूट एक्स की जगह जा रहा है तो यानी कि अगर मैंने y को रूट एक्स अज्यूम कर दिया इसमें पुट कर दिया तो मेरा ये जो फॉर्मूला है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y राइट, ये वाला फॉर्मूला इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर अगर मैंने y को रूट एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो और इससे क्या होगा फिर? ठीक, ध्यान से देखना आप, अब क्वेश्चन को मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखो, इसी से मैंने हिंट ली कि क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करना है।
तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, इसको ये लिखा माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज। तो ये अब पूरी की पूरी क्या चीज बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। हाँ जी, ये सिंप्लीफिकेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आदित्य समझ आया, चिराग, राजवीर, शुभम समझ आया, आदित्य भाई समझ आया? ठीक 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 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स। तो ये फाइनल आंसर जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें थर्ड में तो प्लीज बताओ। चलो आगे, फोर्थ देखो, फोर्थ नहीं आ रहा, तो देखो अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ना हमने एक और चीज देखी थी सिंप्लीफिकेशन के अंदर, अगर मेरे को वन प्लस एक्स एंड वन माइनस एक्स सेम क्वेश्चन में दिखाई दे तो मैं एक्स को क्या प्रूव करता हूँ, कॉस टू थीटा। इसमें भी वही करेंगे लेकिन x की जगह x square आ रहा तो मैं x square को cos 2 theta put करूंगा और कुछ नहीं। तो ये मेरा बन जाएगा 1 plus cos 2 theta under the root plus under the root of 1 minus cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta under the root minus under the root of 1 minus cos 2 theta ठीक tan inverse of y equal to, तो ये बन जाएगा tan inverse of, ठीक पहले अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई कर रहे, बार बार बाहर वाली चीज नहीं लिख रहे। ठीक, तो अंदर वाली चीज हमारी क्या आ रही है, देखो 2 cos square theta minus 1 1 plus under the root plus under the root of 1 minus 1 plus 2 sin square theta divided by 1 plus 2 cos square theta minus 1 under the root minus under the root of 1 minus 1 plus 2 sin square theta। ये 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, ये minus 1 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, तो ये आ जाएगा root 2 cos theta plus root 2 sin theta। I think हमें theta दिया होना चाहिए था, okay, यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो basically x belongs to यहाँ पे minus 1 to 1 होना चाहिए था, तो जो हमने assume किया है x square cos theta इस question के अंदर, ठीक, जो हमने x square cos theta assume किया, अब देखो अगर x minus 1 to 1 है तो x square क्या जाएगा 0 to 1, ये जाएगा 0 to 1, तो अब cos 2 theta अगर 0 to 1 है तो जो 2 थीटा होगा वो क्या होगा तुम्हारा 0 से पाई बाय 2, तो थीटा आ जाएगा 0 से पाई बाय 4, तो थीटा हमारा 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो वहां पे अगर देखूंगा तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो इसलिए अंडर रूट के अंदर एज इट इज ओपन हो रहा है, तो ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा एंड माइनस रूट 2 साइन थीटा। ठीक, तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 कटा, तो ये कॉस थीटा से डिवाइड करके बन जाएगा 1 प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस टैन थीटा, और बाहर था हमारा tan inverse of, ठीक, ये बन जाएगा tan inverse of tan pi by 4 plus theta, अब ये तो 0 से pi by 4 plus pi by 4 करूंगा तो 0 pi by 4 से pi by 2 हो जाएगा, तो exactly as it is बाहर आ जाएगा, तो pi by 4 plus theta। अब यहां से देखो theta की original value substitute करते हैं यहां से, तो x square cos 2 theta है, तो x square is cos 2 theta, तो cos inverse of x square is 2 theta, तो theta की value क्या है 1 by 2 cos inverse of x square,
ठीक, तो ये चीज को अब इसके अंदर पुट कर दो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो दैट इज हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव बना, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 एंड 1 बाय 2 एज इट इज, कॉस इनवर्स का समथिंग का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा एक्स पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x, ये 2 कटा तो क्या आ गया, दैट इज माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स की पावर फोर, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ जी सर, दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड में मैं आपका समझता हूँ, पहले इसमें बताओ, अरे मैं दूसरा मेथड में आपका समझता हूँ, इसमें किसी को, इस वाले मेथड में किसी को कोई डाउट है तो पहले वो बताओ, फिर मैं दूसरा मेथड से करता हूँ। इस मेथड में डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी, क्या बोल रहे हो वासु, कौन सा मेथड किया था? जो आपने इक्वेशन दी थी ना उसको डायरेक्ट मैंने रैशनलाइज कर दिया था। ओके ओके, तो आपका बन जाएगा, एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, tan inverse of 1 plus x square under the root plus under the root of 1 minus x square over 1 plus x square minus under root of 1 minus x square into इसका positive वाले part से हमने multiply divide किया, तो ये बन जाएगा tan inverse of 1 plus x square plus 1 minus x square minus plus twice of under root of 1 minus x की power 4 divided by नीचे 1 plus x square minus 1 minus x square, तो 1 कटा ये x square कटा, तो it is nothing but tan inverse of 2 plus twice under root of 1 minus x की बार 4 divided by 2x square, तो ये 2 भी कटा, तो ये आ जाएगा tan inverse of 1 plus under root of 1 minus x की बार 4 divided by x square। अब बता सर, x square को sin theta पुट कर दिया, बिल्कुल अभी भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक आ गया था ये सेम, ठीक है बिल्कुल सही, वो भी सही है, ठीक चलो next किया। कौन सा सर? हाँ जी हाँ जी, कौन सा? दोनों को अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर आ गया, वो भी सही है, तो उसमें फिर x स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करूंगा उसके बाद। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक चलो अब आगे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमें आज देखना था। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहला हमें ये चीज देखनी है कि रिलेशन बिटवीन डी वाई बाय डी एक्स एंड डी एक्स बाय डी वाई। ठीक, अब इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, हाँ जी, तो अब ध्यान से देखो, योर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सो दिस विल बी योर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, दिस विल बी योर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, एक तो ये डी वाई बाय डी एक्स रहेगा हमारा, ये तो स्टैंडर्ड चला गया। नाउ नाउ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू 1, ये तो हमें मालूम है, ये 1 होगा। अब इसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दी, तो इसके ऊपर जो इसका जो लिमिटिंग केस जाएगा, ठीक, वो क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एंड इसके ऊपर लिमिट लगाई मैंने डेल्टा वाई की, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई That is equal to 1. और ये बन जाएगा मेरा dy by dx into ये बन जाएगा मेरा dx by dy. That is equal to 1. तो कहने का मतलब, हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली में ये सोच ना, ये सोच भाई, अगर y equal to f of x को भी फंक्शन है, ठीक चिराग, इसके अंदर अगर what is the meaning of delta x? बिल्कुल सही, देख भाई एक बड़ी सिंपल सी मैं चीज समझा रहा हूं तेरे को, अगर एक कोई भी मशीन है उसके अंदर इनपुट को चेंज अगर तू नहीं करेगा तो आउटपुट चेंज नहीं करेगा, हाँ या ना? अच्छा, अगर इनपुट चेंज करेगा तो आउटपुट चेंज करेगा, मतलब वो करना जरूरी नहीं है, अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो नहीं करेगा, ठीक, बट हाँ
इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि अगर इनपुट चेंज करेगा तो ही आउटपुट चेंज करेगा, अदरवाइज आउटपुट चेंज नहीं कर सकता। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इनपुट में चेंज को मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब उसको उसकी लिमिटिंग केस लेके जा रहे हैं, तो जो आउटपुट में चेंज होगा उसका भी लिमिटिंग केस आ जाएगा। सर आपकी आवाज कट गई थी, लास्ट में रिपीट करना। अच्छा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैं एक ग्राफ से तेरे को ये चीज समझाता हूँ। इन जनरल अगर ऐसा ग्राफ है तो ये है तेरा डेल्टा एक्स एंड इसके अकॉर्डिंगली है ये डेल्टा वाई, ये समझा? यस सर। अच्छा, अगर डेल्टा एक्स को मैं यू नो जीरो के पास लेके जा रहा हूं तो जो डेल्टा वाई है तो वो भी किसके पास जाएगा? जीरो के पास। समझ रहे हो आप? वही चीज इधर मैंने की कि अगर मैं लिमिट लगा रहा हूं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो मैं साथ में डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो की भी लिमिट लगा सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर वो इनडिटरमिनेंट केस नहीं जा रहा तो, सिर्फ तो, अदरवाइज नहीं। और ये नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये डीवाई बाई डीएक्स बन रही है और ये जो चीज है ये डीएक्स बाई डीवाई बन रही है। इसलिए अगर अलग अलग करने पे वो स्टिल इनडिटरमिनेंट केस जा रहा है तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। एक नई इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर जा रही है तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे। अब आगे क्या चीज जा रही है तुम्हारी कि यहां से हमें क्या रिलेशन मिला फिर कि dy by dx जो है वो 1 by dx by dy है, यानी कि इट्स नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक, एक तो ये चीज थी जो हमें डिस्कस करनी थी। सेकंड इज नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक, अच्छा, इसके लिए मैं एक स्टूडेंट की हेल्प लेके फिर आगे जाऊंगा। अर्णव, अर्णव माइक ऑन कर। यस सर। अच्छा अर्णव, मेरे को ये बता x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2x। अच्छा अब मेरे को ये बता कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2y/dy/dx। अब यहां पे चेन रूल लगा। एक्चुअली में अब ध्यान से प्लीज बाकी सारे ध्यान से समझना, एक्चुअली में यहां पर भी वही हो रहा है कि फाइनली पहले देखो x² का डेरिवेटिव किया वो आ गया 2x, फिर अंदर वाला जो x है उसका डेरिवेटिव किया तो x by dx आ गया, लेकिन ये तो 1 ही होता है इसलिए इसको लिखते नहीं है तो ये सिंपली 2x ही होता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने y² का डेरिवेटिव किया वो आ गया 2y, फिर अंदर वाला जो y वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव किया, अब यहां पे 1 नहीं हुआ, अभी यहां पे हुआ dy / dx, तो इसलिए y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2y y dash and x square का derivative with respect to x ये जाएगा 2x। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है? कंफर्म करो प्लीज, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा काव्या। यस सर। अच्छा काव्या, अब यही चीज कर रहे हैं हम, लेकिन y के विद रिस्पेक्ट टू अब डेरिवेटिव करना, तो मेरे को ये बताओ कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 2y। एंड चेन रूल के कारण आपका d by dy ऑफ फाइनल वेरिएबल y आ जाएगा, लेकिन ये तो 1 हो जाएगा तो सिंपली 2y बचेगा। बात समझे? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि d by dy ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 2x/dx/dy। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हां जी, ये चीज क्लियर हो रही है सबको? यस सर। दिया, स्तुति, क्लियर है? दक्ष, वासु, आदित्य भाई क्लियर है? चिराग क्लियर है? कृतेश? यस सर। ठीक है, इन बेसिक रूल्स को याद रखना। नाउ नाउ इक्वेशंस जो होती है ना हमारे पास, ये दो टाइप की होती है। एक होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इक्वेशन बोल लो, फंक्शन बोल लो, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, दो टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जो हम y इक्वल टू एवरीथिंग लिख देते हैं, मतलब जो y इक्वल टू एवरीथिंग में आ जाता है, राइट, उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर y इक्वल टू एवरीथिंग आ नहीं सकता, यानी कि हम y ऐसे टाइप इस तरीके से इंटरमिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है कि y इक्वल टू एवरीथिंग कर ही नहीं सकते, जैसे y प्लस साइन y इक्वल टू x। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप y इक्वल टू एवरीथिंग कर ही नहीं सकते,
बात समझ में आई, क्योंकि y यहाँ पे साइन के अंदर भी है और बाहर भी अलजेब्रिक फॉर्म में भी है, तो y को एवरीथिंग इसकी फॉर्म डाल नहीं सकते। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिनके अंदर y को एवरीथिंग कर सकते हैं इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, ये जस्ट नाम है, इनके अंदर और कुछ चीज नहीं है। अब देखो, अगर y इक्वल टू समथिंग दे रखा है, ठीक, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करना तो बहुत ईजी है, दोनों तरफ d बाई dx कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा, इधर जो भी x के रूल्स होंगे वो लग जाएंगे। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन की अब डिफरेंशिएशन हमें करनी है, ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये वो क्वेश्चन रहे, ये वो फंक्शन रहेंगे जिसके अंदर x एंड y जो है वो इंटरमिंगल फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42, फाइंड dy by dx। ठीक, अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे, राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा d by dx of x square plus 2xy plus y cube equal to derivative of 42। तो ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x square प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ y cube इज इक्वल टू 42 का डेरिवेटिव 0। तो x square का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x, अब यहां पे 2 बाहर आ गया, अब xy का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 into y as it is प्लस x as it is, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy by dx प्लस y cube का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये आ जाएगा 3y square into dy by dx That is equal to 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से dy by dx वाली टर्म्स को अलग करेंगे, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो देखो क्या बना मेरा 2x plus 2y and यहां से आ जाएगा 2x dy by dx plus 3y square dy by dx is equal to 0। यहां से हमने क्या किया, इन दोनों से dy by dx कॉमन ले लिया, into 2x plus 3y square is equal to, ये दोनों चीजों को हम राइट हैंड साइड ले गए, तो माइनस टू ऑफ एक्स प्लस वाई, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, माइनस चॉइस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर। हाँ जी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसके अंदर किया क्या हमने, जो बेसिकली एक्स एंड वाई वाली टर्म अब साथ में आ रही है, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है उस चीज को हमने समझा। ठीक, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, डाउट है तो डाउट पूछो प्लीज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। यस सर। हाँ जी, स्तुति आपकी आवाज अटक रही है, प्लीज दोबारा बोलो। ये वाली चीज, स्तुति माइक ऑन करो प्लीज। इसका अगला ये वाला स्टेप, तो इसके अंदर कुछ नहीं किया, ये 2x as it is, ये 2 into y 2y, 2 into x dy by dx, तो 2x dy by dx, then 3y square dy by dx, तो 3y square dy by dx, तो यहां से हमने dy by dx कॉमन लिया इन दोनों से, तो ये dy by dx आ गया, and 2x plus 3y square इसका कोफिशिएंट आ गया, then ये दोनों चीजों को हम राइट हैंड साइड में लेके गए, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया एंड x plus 5 बचा, एंड फिर 2x plus 3y square से डिवाइड कर दिया, तो ये dy by dx क्या बन गया हमारा, that is minus 2x plus y by 2x plus 3y square। हाँ जी, क्लियर है स्तुति? ठीक। हाँ जी, वासु कोई डाउट, आदित्य, कृतेश, राजवीर कोई डाउट, दिया, केवा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, प्रूव दैट वाई बाय डी एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। ठीक, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक,
तो ध्यान से देखो ये चीज क्या करेंगे कैसे करेंगे. अच्छा लेट से आदित्य भाई, आदित्य भाई माइक ऑन कर. आदित्य अब जो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को बताता था. तो जो भी इक्वेशन दी होती है वहां से डीवाई बाई डीएक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं. समझ रहे बात? तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव बता क्या जाएगा? सर पहले लॉग का करेंगे. तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x स्क्वायर रेसिप्रोकल. बिल्कुल सही, इनटू x का 2x आ गया. ठीक, प्लस 2y इनटू dy बाय dx. तो y डैशेस को लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, अच्छा ये ट्वाइस ऑफ. अब tan इनवर्स ऑफ y बाय x का डेरिवेटिव सर उसका फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस x. तो ये y बाय x का स्क्वायर आ जाएगा ना, y स्क्वायर. बिल्कुल, इनटू फिर डिवीजन फॉर्मूला लगेगा. बिल्कुल लगाओ. तो डिवाइड नीचे x स्क्वायर नॉमिनेटर में x square, बिल्कुल सही. x into dy by dx. तो y dash minus y into बस y. हाँ, x का derivative one हो जाएगा. ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है और हमें प्रूव करना बहुत इजी चीज. ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे. ठीक, सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्या ये जो चीज है जो फालतू की आ रही है ये कट रही है? बिल्कुल कट रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में वो वही चीज बन गई. देखो ये चीज क्या जा रही है, 1 by 1 plus y square by x square. LCM लिया तो ये इधर and x square ऊपर, तो ये बन गया x square over x square plus y square. ठीक, तो पूरी चीज को मैंने लिखा, देखो 1 by x square plus y square as it is into 2 common x plus y y dash that is equal to 2 into ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या बन गई, x square by x square plus y square into x y dash minus y by x square. ठीक, अच्छा आदित्य माइक ऑन कर. यस सर. हाँ आदित्य देख, ये इसके साथ कटा एंड ये x square कटा एंड ये 2 2 कटा. समझा? देख रहा है, देख रहा है, मतलब तीन तीन चीजें कट गई, तो बाकी बहुत सिंपल सी चीज बची, x plus y y dash is equal to x y dash minus y. ठीक, अब क्या करेंगे, y dash वाली चीजें एक साथ कर लेंगे बाकी सब. बिल्कुल, तो एक काम कर, इसको इधर ले जा, y को इधर ले आ. तो ये बना x plus y is equal to y dash common x minus y. तो यहां से y dash की वैल्यू क्या मिली, x plus y by x minus y. डन, और ये चीज प्रूव करनी थी. तो देख रहे हो, दो तीन स्टेप्स के अंदर अंदर बहुत इजीली हो गया. ठीक, तो हमारा इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम ध्यान कहां पे होना चाहिए, कि जो फालतू की चीजें आ रही हैं वो कहां पे कैसे कैसे कट रही हैं. बात समझा? ठीक 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 ठीक, चलो ठीक. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो किसी को इसमें डाउट है तो. क्लियर हुआ कैसे करना है? क्लियर है सर. यस ठीक है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to minus 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर. ठीक, minus 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी है. ठीक, अच्छा इस अब अगेन क्या करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात. अब वो वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर अगर हमें स्टार्टिंग में पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको भी मैनिपुलेट करना पड़े, तो हम पहले उसको भी मैनिपुलेट करेंगे. ठीक, देन फिर हम आगे जाएंगे. तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखने में लगता नहीं है कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैनिपुलेशन स्टिल पॉसिबल है. देखो हमने क्या किया, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y इक्वल टू माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x किया. अब हमने कर दी स्केयरिंग. ठीक, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 प्लस x. ठीक, तो ये क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक, हेलो स्तुति. ओके ओके, अच्छा देखो अब इन दोनों टर्म्स को कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों से एक्स वाई कॉमन,
तो बचा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, तो x y कॉमन, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आइदर ये जीरो और ये जीरो। अच्छा क्वेश्चन में ना एक्चुअली में गिवन होना चाहिए था कि x इज नॉट इक्वल टू y, ये गिवन होना चाहिए था। अब अगर x इज नॉट इक्वल टू y तो दिस कांट बी जीरो, राइट। तो हमारा ये बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों से y कॉमन लिया तो बचा वन प्लस एक्स कॉमन, और ये जो माइनस एक्स है इसको इधर लेके गए तो ये आ गया ये, तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, ठीक ये चीज आ गई। तो अब देखो ये क्या चीज आ रहा है, ठीक, कि अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, अब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। सॉरी, अच्छा एक ना चीज अब इन जनरल करते हैं इससे पहले, राइट, दैट इज बताओ इसमें डाउट बताओ, ठीक। ये हमने क्या किया अगेन कि अगर मेरे पास लीनियर वन बाय लीनियर वन है तो उसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की, ठीक। तो उसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास सब कुछ करके यू बाय वी रूल लगा के फाइनली क्या आ रहा है कांस्टेंट बाय लीनियर टू का डिनोमिनेटर में जो लीनियर होता है उसका स्क्वायर आ रहा है, ठीक ये चीज। तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये भी लीनियर बाय लीनियर है, इसका भी अगेन क्या बचेगा सम कांस्टेंट बाय डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। और आई थिंक क्वेश्चन में भी हमें ये चीज प्रूव करनी थी, ध्यान से देखो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि अभी तक हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस बार ले लिया x बाय 1 प्लस x, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय dx d बाय dx, तो इधर तो y डैश बन गया दैट इज माइनस ऑफ अब 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 x का 1, तो ये बन गया हमारा माइनस ऑफ 1 प्लस x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x x कटा तो दैट इज माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो दैट इज y डैश, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक। तो अगेन इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग से देखो क्या किया हमने, जो गिवन स्टेटमेंट थी इसको पहले मैनिपुलेट करके हमने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लाया, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आने के बाद फिर हमने इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास जो चीज रिक्वायर्ड थी जो चीज चाहिए थी वो प्रूफ हो गई, ठीक। हाँ जी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो इसमें। चिरा क्या बोल रहा है? अरे उसका फायदा कुछ नहीं हो, उससे हमने बस ये चीज ऑब्जर्व की कि लीनियर बाय लीनियर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट बाय लीनियर का स्क्वायर आ जाएगा, लीनियर टू का स्क्वायर आ जाएगा, बस बात कर, ये चीज हमने ऑब्जर्व की, ठीक। तो ये पर्टिकुलर टाइप जा रही थी यहाँ पे, ये टाइप को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स इट। इसका फायदा नहीं कुछ हुआ, बस मैंने इन जनरल डिफरेंशिएशन करके दिखाई है कि लीनियर बाय लीनियर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कांस्टेंट बाय लीनियर टू का स्क्वायर है, ये चीज, ठीक है। बाकी क्लियर है सब कुछ? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तुम्हें खुद अभी प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करो। इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन ए प्लस वाई, ठीक, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, ठीक याद रखना एक्स एंड वाई को छोड़ के बाकी कॉन्स्टेंट होता जब तक गिवन हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, ये प्रूफ करना तुम्हें। चलो स्टार्ट कर दो। ठीक तो पहला वाला देखो जरा, ठीक। अच्छा इसके अंदर ना एक ऑब्जर्वेशन आपको करनी है कि जो चीज प्रूफ करनी है इसके अंदर यहां पे कहीं पे एक्स नहीं आ रहा, कहीं पे एक्स नहीं आ रहा, कहीं पे एक्स नहीं आ रहा, राइट। तो यानी कि एक्स डेरिवेटिव में नहीं आने का मतलब ये है, ठीक, इसको अप्रोच करने का वो तरीका हमें बताएगा। तो ध्यान से देखो क्या तरीका होना चाहिए, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक। अब इसको अप्रोच करने का तरीका देखो क्या चीज जाएगी, सी एन डी भाई तब प्रेफरेबल है जब कॉस इनवर्स नहीं होगा, तो कॉस इनवर्स को पहले कॉस का होता ले दो फिर उसके बाद सी एन डी करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो जरा ये चीज, तो साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो हमने क्या किया साइन वाई डिवाइडेड बाय
साइन ए प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव इधर वन हो जाएगा, तो एक्स बचेगा ही नहीं. जो चीज वाई डैश बन के आएगी वो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा. तो देखो क्या किया हमने, dx by dy नहीं कर सकता क्या, क्या dx by dy नहीं कर सकता, वो भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक. अच्छा अब देखो जरा इस मेथड में, अब इसका u by v रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो sin स्क्वायर a प्लस वाई. अच्छा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन वाई न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो ए का डेरिवेटिव जीरो, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, दैट इज एक्स का डेरिवेटिव वन. तो यहाँ पे वाई डैश हमने कॉमन ले लिया, बचा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई cos a plus y divided by sin square a plus y that is equal to 1. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, y dash into, now this is sin a cos b minus cos a sin b, तो that is sin a minus b, that is sin of a plus y minus y equal to sin square a plus y. ठीक. तो ये y y कटा, तो y dash is equal to sin square a plus y divided by sin a. ठीक. तो इस तरीके से हमारा ये जो था फाइनल आंसर आ गया जो प्रूव करना था. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर मेथड में तो प्लीज बताओ, कोई भी चीज ना समझ में आई हो. वासु क्लियर है, कृतेश, आदित्य, दक्ष, दिया? क्लियर है सर. ठीक ठीक ठीक. अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है डिस्कस. ठीक, ध्यान से देखो. ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ये देखो कि जो tan इनवर्स ऑफ a, इसको से कैसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, पहले वो चीज समझो. ठीक, दो तरीके इसको सिंप्लीफाई करने के, दोनों तरीकों से मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है. ठीक, तो पहले तो ये चीज देखो कि ये एक कॉन्स्टेंट है, तो cos को भी इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय, ये मेथड वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए. तो ये सारी की सारी चीज भी कॉन्स्टेंट रहेगी, इसके अंदर वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है. ठीक, अब मैंने यहाँ पे किया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया. ठीक, तो यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन दोनों को एड करोगे आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. ठीक है, कौन सा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये अप्लाई कर रहे हैं. तो दोनों को एड करके तो आ गया टू एक्स स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया तो आ गया टू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाय वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए. लेकिन स्टिल जो मर्जी आ जाए ये टोटल की टोटल चीज अभी भी कॉन्स्टेंट ही रहेगी. ठीक, ये टू टू गया हटा. ठीक, तो यहाँ पे अब अंडर रूट ले लिया, तो एक्स बाय वाई जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ ये सारी की सारी चीज विच इज नथिंग बट ओवरऑल इट इज कॉन्स्टेंट सी. That's it. तो हमारे पास सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या आई, दैट इज एक्स बाय वाई इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू सी का डेरिवेटिव जीरो. इधर जो मर्जी चीज हो राइट हैंड साइड में ये डेरिवेटिव जो है इसका जीरो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जीरो, तो वाई माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आई, वाई बाय एक्स. दैट्स इट, वी आर डन. डन. हाँ जी, इस मेथड में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो. इस मेथड में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो. क्लियर हुआ सबको? चलो आगे चल रहे हैं. इसका मेथड सेकंड चेक करो. ठीक, सेकंड मेथड क्या है इसका? ठीक, ये मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. ठीक, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बाय y बाय x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ a. ठीक, और ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है राइट. तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरी, दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ y बाय x दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a. अब एक काम करो, 2 को एंड tan इनवर्स को इधर ले जाओ, तो tan इनवर्स y बाय x क्या बन जाएगा आपका, हाफ ऑफ
tan inverse of a, and tan inverse को ले जाओ तो y by x क्या बन जाएगा, tan of sorry tan of half of tan inverse of a. अब ये सारी की सारी चीज कॉन्स्टेंट है. अब एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो डेरिवेटिव करके d by dx करके क्या चीज जाएगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. ठीक, तो x का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका न्यूमरेटर जीरो आ जाएगा, तो x y डैश माइनस y इक्वल टू जीरो, तो y डैश की वैल्यू y बाई x. तो इससे भी सेम आंसर आएगा हमारा, इससे भी इजी पड़ गया. तो यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई किया, वहां पे हमने नॉर्मल मैनिपुलेशन की. हाँ जी, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ. आई थिंक तुम लोगों की आवाज अभी फिर खत्म हो रही है, मतलब वो आ नहीं रही है मेरे तक, एरर आ रहा कुछ. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टाइप करके एक बार बता दो, एंड देन वी आर डन विद द लेक्चर. ठीक, चलो ठीक 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 ठीक, ओके ओके, ठीक है, चलो वी आर डन विद द लेक्चर, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है. ठीक, डन डन.